सब में हो खुशबू, नूरे ऐन कुरान वाले नबी का, सब में हो खुशबू, सब में हो खुशबू, मेरे आका मौला कमली वाले नबी का, नूरे अला नूरे नबी का, नूरे अला नूरे नबी का, वो खुशबू महके, वो खुशबू महके, सात पर्दे में दिल में खुशबू महके, सात पर्दे में है गो किलो थोड़ा, वो खुशबू महके, वो महक महक में, वो महक महक में मगन हो जाए तेरे जिक्र रसूल में, हम मगन हो जाए, हम मगन हो जाए तेरे जिक्र रसूल में, भूल जाए हम, अरे भूल जाए हम जिक्र रसूल में, भूल जाए हम जिक्र रसूल में, दुनिया को भूल जाए हम तेरे याद में, हम भूल जाए, हम भूल जाए, हम भूल जाए, हम भूल जाए दुनिया को तेरी याद में, और खोए खोए रहे हम, अरे खोए खोए रहे हम तेरे याद में, और खड़े भी रहे तो, अरे खड़े रहे भी तो और बैठे भी रहे तो तेरे याद में, चलते भी रहे, चलते भी रहे, देखते भी रहे तेरी याद में, तेरी याद में, बिस्तर पे भी सो जाए तो तेरी याद में, तेरी याद में, और इश्क हो जाए, अरे इश्क हो जाए तेरे याद में, इश्क में खो जाए हम तेरे याद में, इश्क में खो जाए तेरी याद में, पलक ना गिरे, अरे पलक ना गिरे वो सूरत दीदार हो नूर का नबी का, चश्मे दीद दीदार हो, अरे चश्मे दीद दीदार हो मेरे आका मौला कमली वाले का, हम दीवाना हो जाए, हम दीवाना हो जाए अपने प्यारे नबी का, दीवाने हो जाए, हम दीवाने हो जाए अपने प्यारे नबी का, और जिस्म को तेरी याद में रहे ये जिस्म वजूद दिल रू आँखों दिमाग, जिस्म का जोड़ तेरी याद में रहे, तेरी याद में रहे, जब तेरी याद में मशगूल हो जाते हैं तू बड़ा करीब होता है,
अरे तू बड़ा करीब होता है और खुद कहता है बंदा तुझे क्या चाहिए, बंदा तुझे क्या चाहिए, खोए खोए में, अरे खोए खोए में, अरे खोए खोए में बेहाल हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, उस सुनहरी आवाज जब कल्बों में आएगा होश उड़ जाएगा, होश उड़ जाएगा, वही नूर तजल्ली नूर है, वही नूर तजल्ली नूर है, वही नूर हर्फ अल्लाह माबूद है, कहाँ तलाश करोगे, अरे कहाँ तलाश करोगे, थक जाओगे, न मिलेगा मस्जिद में न मक्का मदीना शरीफ में, न मिलेगा मस्जिद में, अरे मिलेगा तो कहाँ कोई पता बता दे उसे, अरे मिलेगा कहाँ कोई पता बता दे मुझे, मैं तलाश करूँगा वहीं जाकर, असूफी कह रहा है उसका कोई मुकाम नहीं है, हर जगह मौजूद है, उसका कोई मुकाम नहीं है, हर जगह मौजूद है, अरे हर जगह मौजूद है मगर बसर ही में है, मगर बसर में भी है, मगर बसर में ही है, मगर है बातिन में पर्दे में है, मगर बातिन में है पर्दे में है, अरे नजर वाले को नजर आता है जब नूर तजल्ली रोशनी दिल में जब होता है, तो खुद मुख्तार मालिक, अरे खुद मुख्तार मालिक परवरदिगार, उसका नूर तजल्ली नूर में, उसके नूर तजल्ली नूर में, वही सूरत मोहम्मद रसूल अल्लाह का नजर आता है, तो दीवाना तड़प तड़प के कहता है, क्या कहता है, दीवाना तड़प तड़प के कहता है, अरे जरा एक पलक के लिए न दूर होना मुझसे, एक पलक के लिए दूर न होना मुझसे, क्यों, अरे मुझे राह सकूं बड़ा मिलता है, तेरा नूरानी सूरत जब दीदार होता है, नूरानी सूरत जब दीदार होता है, वही नूर रोशनी जब कल्ब में हो, वही रोशनी नूर कल्बों में हो, वही नूर ही तू एक माबूद अल्लाह है, तू एक ही माबूद अल्लाह है, अरवलियों के दर से, अरवलियों के दर से, अरे क्या न मिलता है, वलियों के दर से, अरे क्या न मिलता है, और जब उसकी रहमत जोश में आता है, तो दीवाना हूबहू वही दिखा देता है, दीवाना हूबहू वही दिखा देता है, जब अपने मस्ती में आता है, अरे जब अपने मस्ती में आता है दीवाना नूर नबी का, सलातुल मुरसलीन नूर नबी हबीब मुस्तफ़ा का, आकाए मौला कमली वाले हबीब मुस्तफ़ा का, जान मुस्तफ़ा का, अरे वही दीवाना होता है हकीकत में, वही दीवाना नबी का होता है हकीकत में, अपने को छुपा के रखता है, अरे अपने को छुपा के रखता है पर्दे में,
अपने जिसमें वजूद को छुपा के रखता है पर्दे में, अगर जाहिर कर दे, अगर जाहिर कर दे वो नूर तजल्ली रोशनी, तो ये घर अंधेरा रहेगा नहीं। अरे ये घर अंधेरा रहेगा नहीं, वही नूर रोशनी कल्बों में हो जाएगा, फिर तू ही तू हो जाएगा, फिर तू ही तू हो जाएगा, फिर तू ही तू हो जाएगा, तेरे सिवा कोई नहीं। अरे तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, ना है जमीन ना आसमान ना चांद तारा ना सूरज ना दरिया समंदर पहाड़ ना इंसान ना परिंद चरिंद ना दिन रात, अरे कोई नहीं तेरे सिवा, अरे कोई नहीं तेरे सिवा, तेरे सिवा कोई नहीं। अरे हूबहू जब नूर का पर्दा, अरे नूर का पर्दा साथ खुलता है तो जमीन आसमानों का पर्दा खुलता है, आँखों के साथ पर्दा खुलता है, दिल के साथ पर्दे खुलते हैं, दिल के पांच दरवाजे खुलते हैं, अर्श से रोशनी दिल में होता है, वही रोशन जमीर होता है, वही रोशन जमीर होता है, वही आशिके रसूल होता है, वही आशिके रसूल होता है, जब आशिके रसूल को वही नूर तजल्ली जलवा नूर का नजर आता है, फिर उसके आगे उसे कुछ नजर आता नहीं, उसके आगे उसके सिवा कोई नजर आता नहीं है, तू ही तू फिर हो जाता है, अरे तू ही तू फिर हो जाता है, अरे दिल में इश्क मोहब्बत तुझसे जब हो जाता है तो दुनिया बड़ी फीकी लगती है, और तन्हाई बड़ा प्यारा अच्छा लगता है, तन्हाई में तू मिलता है और शोर शराबा में, अरे शोर शराबा में नाम होता है, उन नामों से क्या लेना देना है, जब तू ही तू हो जाता 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 है, तो अल्लाह जब हो जाता है, अल्लाह तू ही तू हो जाता है, इंसान का दिल दिमाग आँख जिसमें वजूद जाहिर से बातिन से जब तू ही तू हो जाता है, तो हू बहू ये जिसमें जाहिर और बातिन में एक नूर रोशनी हो, फिर ये फर्श से लेकर अर्श तक रोशनी होगा, फर्श से लेकर अर्श तक रोशनी होगा, फिर ये जिसमें वजूद का हिस्सा कुछ नजर नहीं आएगा, फिर क्या समझोगे, फिर क्या समझोगे, जब जिसमें वजूद नजर नहीं आएगा तो नूरे नूर फर्श अर्श तक नजर आएगा, तो अल्लाह तो नूर है, अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर, अल्लाह नूर, अल्लाह नूर, अल्लाह नूर, अल्लाह नूर, अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर है, अल्लाह नूर है, हक है, हक वही है, हक वही है, हक तू ही है, तू सबके बनाने वाला एक माबूद अल्लाह है, इंसान से मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत, इंसान से जब तक मोहब्बत नहीं करोगे, इंसान से जब तक मोहब्बत नहीं करोगे और इंसान में नफरत हो जाएगा,
बूझ कीना तकबूरी मैं हो जाएगा, फिर इंसानी मोहब्बत निकलता जाएगा जी, नफरत आ जाएगा जी। तो नफरत का कांटा ना बो, नफरत के कांटा बोओगे तो कांटा तुम्हें चुभेगा, नफरत के कांटा बोओगे कांटा तुम्हें चुभेगा तो दर्द तुम्हें ही होगा, कांटा तुम्हें चुभेगा तो दर्द तुम्हें होगा, तकलीफ तुमको होगा। तो इंसान से मोहब्बत, मोहब्बत अफसाना, मोहब्बत अफसाना बहुत ही कठिन है डगर पन पन घटकी बलहारी, कैसे जाऊं जमुना से लाऊं मटकी, कैसे जाऊं जमुना से लाऊं मटकी, बल बल जाऊं पिया तोरे दर के, लगन लागे पिया तोरे दर से, तोरे दर के जोगन बन जाऊं, सारी उमरिया कटा दूं पिया तोरे दर पे। आमीन। तो इंसान जो है ये 3.5 का जो इंसान है ना जी, इंसान में सब कुछ है बेशक, हक, मगर वैसा उस्ताद हो बेशक, उस्ताद उस्ताद हो, गुरु हो, कामिल पीर मुर्शिद हो जी, तो तुमको कहां से कहां पहुंचा जी, हक कॉल है बाबा जी, कॉल कर बात कर, कॉल कहां का सैयद से आलम, बंद कर दे। तो इंसान जो है, इंसान 3.5 जी, इंसान के अंदर सब कुछ है बेशक, मगर तलाश करने का, तलाश करने का उस्ताद पीर गुरु वही बताता है बेशक, मगर तलब हो, लगन हो, प्यास हो, इश्क हो, मोहब्बत हो और नफरत नहीं हो, बगैर दूध में जोड़न दिवे दही नहीं होता है, अब बगैर गाय का दूध नहीं होगा, और दूध को जब तक गर्म नहीं करोगे, दूध को गर्म करोगे, मिट्टी के बर्तन में डालोगे, फिर उसमें दही डालोगे, तब सुबह दही होगा, फिर इस दही को किसी घड़े में डालो, फिर उसको मेहनत करो, फिर मक्खन होगा, मक्खन होने के बाद फिर जलाओ उसको, तब घी होगा, तो मेहनत के बाद तो घी बनता है। तो बगैर खोए कुछ मिलता नहीं, तो तुम तो कोई खो नहीं रहे हो, तुम तो यहाँ बैठे मिल रहा है, थोड़ा अपने वक्त कुर्बानी दे रहे हो, माने अपना कीमती वक्त और बड़ी प्यारी नींद को दूर कर रहे हो, मोहब्बत वाली नींद को दूर कर रहे हो, माने अपनी आँख को, दिमाग को, जुबान को, कान को, हाथ को, पाँव को, जिसमें वजूद को, यहाँ मन को एक कर रहे हो। जब मन को एक करोगे और दिल में अंधेरी निकलता रहेगा, दिल में रोशनी होगा, मैला साफ हो जाएगा सीना का, ये जिक्र है, ये जिक्र है, जिक्र से दिल साफ सुथरा होता है, सीना साफ सुथरा होता है, जो बोल रहे हैं ये रूह साफ सुथरा होता है, आँख साफ सुथरा होता है, कान साफ सुथरा होता है, जिसमें वजूद में जितनी मैल है, जैसे कपड़े धोते हो साबुन लगा के, वैसे मैल निकल जाता है, फिर साफ सुथरा होता है। जब तक के साफ सुथरा नहीं होगे अच्छा लगोगे नहीं, नहीं। जब साफ सुथरा होके जिस्म वजूद, साफ सुथरा जिस्म वजूद जब तक नहीं होगा, तुम मस्जिद में दाखिल हो सकते हो, पाक साफ होना होगा जी। पानी नियामत है, गुसल करना होगा, वजू करना होगा जी। फिर आप मस्जिद में दाखिल होगे, ठीक है जी, मस्जिद में दाखिल होगे, पूरी कायनात का बनाने वाला रब्बुल आलमीन परवरदिगार जो नियत कर रहे हो नमाज का, किसके सामने खड़ा हो रहे हो, किसको मान रहे हो, अल्लाह। तो जब अल्लाह को मान रहे हो तो इतनी बड़ी कायनात है बनाने वाला, उसके सामने तुम हाथ बांध के खड़े हो,
क्या बात है, उसके हाथ बांध के खड़े हो, माने उसका हुक्म मान रहे हो और पेशानी झुका रहे हो, तो उसको सजदा पसंद है। पेशानी झुकाना उसको ये अदा बहुत पसंद है, इसलिए कोई गुरुद्वारे में जाता है तो पहला सीढ़ी है ना, माथा टेकता है। अगर उनसे सवाल किया जाए आप माथा टेक के क्यों जाते हैं, बोले जिससे पहले जितने गए ना वो हमसे अच्छे हैं, हम खराब हैं, हमसे पहले जो गए वो अच्छे हैं, हम खराब हैं। मंदिर में जाओ माथा टेकते हैं, गुरुद्वारे में जाओ माथा टेकते हैं, चर्च में माथा नहीं टेकते हैं। पादरी जो है वो खड़ा होकर पढ़ेगा और चेयर पर बैठ के सब सुनेगा, ठीक है। तो ज्ञान, ज्ञान और समझ, ज्ञान बोलते हैं जो चीज को नहीं जानते सुनते हैं तो जानकारी हुआ, जानकारी हुआ, सुनने के बाद जानकारी हुआ, जानकारी होने के बाद, जानकारी हो जाने के बाद फिर तो इनकार नहीं करोगे, इकरार करना होगा, फिर उसको मानना पड़ेगा, उसका हुक्म मानना पड़ेगा। अगर उसके हुक्म को नहीं मानते हो, फरमा बरदारी नहीं करते हो, तो फिर हम तुम क्या हो गए, मुस्लिम हो गए। तो मस्जिद इबादत गाह है, मस्जिद इबादत गाह है, इबादत गाह है, इबादत गाह में साफ सुथरा नियत, साफ सुथरा, हाकिम उल हाकिम परवरदिगार के सामने हाथ बांध कर खड़े हो, उसको सजदा पसंद है, अदब एहतराम ताजिम किया आपने, उसका हुक्म माना, तो परवरदिगार रब्बुल आलमीन को सजदा पसंद है। तो जिसमें वजूद को अल्लाह ने बनाया है इंसान को इबादत के लिए, अब इबादत करने का तरीका तो हमें इलम नहीं। तो ये उस्ताद पीर जो होते हैं, गुरु होते हैं, संत फकीर बताते हैं ये रास्ता है, ये रास्ते पे चलोगे, ये रास्ता इख्तियार करोगे तुम मंजिल तय करते जाओगे, फिर उस मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे, उस मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे, जहां तुम्हें इतनी राहत और सकून कल्बी मिलेगी, तुम्हारे जेब में एक रुपए भी नहीं है तो तुमको कल्बी सकून है, तो ईमान की दौलत है। और ये सोना पर है, गद्दे पर है, चांदी पर है, अच्छा अच्छा गिजा है, अच्छे अच्छे फ्लाइट है, फैक्ट्रियां है, बैंक बैलेंस है, अगर ये कल्बी सकून नहीं है और रात को नींद नहीं है तो कितनी बेचैनी है, कितनी बेचैनी है। तो एक ये जिंदगी और एक राहत वाली जिंदगी, एक चैन सकून वाली जिंदगी और एक बेचैन सकून वाली जिंदगी, फर्क है, बहुत फर्क है। तो कल्बी सकून मिल जाना बहुत बड़ी दौलत है, ईमान की दौलत है। तुम्हें इतना महसूस होगा जब कल्बी सकून मिलेगा कि मेरे पास बहुत दौलत है, बेमिसाल दौलत है, बेमिसाल दौलत है, दौलत की कमी नहीं है। फिर ये कल्बी सकून अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदे को दे देता है, नेक बंदे को, जो नेक हो, रू नेक है, उनकी आँख आईना है, कान सही बात सुनता है, जुबान सही बात बोलता है, दिमाग से सही सोचता है, पाँव से सही जगह जाता है, या हाथों सही काम करता है, बा किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी पर हाथ नहीं उठाता, किसी को पर ये जुबान अल्फाज गंदा नहीं निकालता, किसी को धमकाता नहीं, डराता नहीं, हाँ, तो वो इंसान के अंदर मोहब्बत होगा, इंसानी मोहब्बत होगा, इंसानी जितनी मोहब्बत होगा
उतना ही इंसानी सिफत तुम्हारे अंदर, इंसानी हमदर्दी और तुम्हारे अंदर सखावती, तुम्हारे अंदर नरमियत, तुम्हारे अंदर आजीजी, तुम्हारे अंदर खसखरी खसखरी, तुम्हारे अंदर आजीजी जब आ जाएगा, खसखरी आ जाएगा, तो फिर तुम समझो कि हम इंसान हैं, फिर समझोगे कि हम इंसान हैं। हमारे अंदर जंगल है, ये जिक्र करा है किस लिए, कि जंगल अंदर का सीने का साफ हो, या बंजर जमीन आबाद हो, यह है जिक्र। जिक्र से रूह की गिजा है, सीना साफ सुथरा होता है, गोश का लोथड़ा साफ सुथरा होता है, आँख आईना साफ सुथरा होता है, कान मैला साफ सुथरा होता है, दिमाग दुनिया दिन भर की सोच ये साफ सुथरा हो जाएगा, या हाथ से जो काम किए पांव से चले गए साफ सुथरा हो जाओगे। नमाज अदब एहतराम है, नमाज अल्लाह की हुक्म इबादत है, कुरान में 82 जगह हुक्म है। नमाज रुजू खुशू के साथ नमाज अदा करना, अल्लाह को हाजी नाजी समझ कर, कुरान भी तिलावत करोगे तो अल्लाह को हाजी नाजी समझ कर। जो कुरान को तिलावत करेगा उसकी आंख में कभी दर्द नहीं होगा, कुरान के आयत की रोशनी उसे मिलेगा। वाहिद रब तू, वाहिद रब तू, ऐ रब मेरे रहम करम करने वाला तू ही है माबूद एक पाक परवरदिगार, रब्बुल आलमीन जमीन व आसमानों को बनाने वाला तू ही रब मेरे, और मेरे रूहों में, मेरे रूहों में, मेरे रूहों में, दिलों में, आंखों दिमागों जिसे में वजूदों में, अरे तू ही तू हो जा मेरे रागों में, ऐ रबो मेरे, ऐ रबो मेरे, मेरे रागों में जिसे में वजूदों जोड़ों में, तू ही तू हो जा ऐ रबो मेरे, तेरे सेवा कोई नहीं माबूद परवरदिगार, रब्बुल आलमीन। और मीमों में पर्दा खोल कर मीम हमदो सना नूर इलाही में तेरा कुदरत का जलवा देखा दे, ऐ रबो मेरे, ऐ रबो मेरे, तेरा कुदरत के जलवा देखा दे, नूरे नबी के सूरत नूरानी रोशनी दीदार करा दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर दीदार होता रहेगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार जब होता रहेगा, तो तुम्हारा इश्क और मोहब्बत बढ़ता रहेगा, इश्क और मोहब्बत बढ़ता रहेगा, और तुम्हारे अंदर सच्चाई आ जाएगा। तुम्हारे अंदर सच्चाई जब आएगा तो सच अल्लाह है, अल्लाह नूर है, वो सच है, तो ये सच बोलेगा, जब ये सच बोलेगा, सच सुनेगा, सच सोचेगा, ये वहाँ नहीं जाएगा जहाँ उसका हुक्म नहीं है, जहाँ उसका हुक्म नहीं है काम नहीं करेगा, जहाँ हुक्म नहीं है वो बात नहीं सुनेगा, जहाँ हुक्म नहीं है वहाँ नहीं जाएगा। तो नमाज ऐसी इबादत है, नमाज ऐसी इबादत है, उसमें इतनी ताकत है, नमाज में इतनी ताकत है, और आयत जो पढ़ रहे हो उसमें रोशनी है, और जो आयतें नमाज में अदा कर रहे हो, नमाज रुजू रुजू खुशू के साथ अगर नमाज कायम हो जाए, तो ये नमाज तुमको ये जुबान से गलत बात नहीं बोलने देगा, ये आँख से गलत चीज़ देखने नहीं देगा, ये दिमाग से गलत बात सोचने नहीं देगा, दाहिना हाथ बाएं से गलत काम करने नहीं देगा, ये पाँव दाहिना हाथ बायां पाँव कहीं गलत जगह में जाने नहीं देगा, नमाज में ताकत है। तो हमारे अंदर जो खूबियां है अल्लाह ने दिया है, लेकिन वो खूबियां को हमने पर्दे में रखा है, खूबियां को पर्दे में खोलने का तरीका हमने सीखा ही नहीं। जब खोलने का तरीका हमें उस्ताद सिखा देगा तब ना सीखेंगे, कैसे खुलेगा भाई ये जाहिर बातिन, हमारे अंदर इलम कैसे आएगा, वह हमारे अंदर वो सब खूबियां हमारे अंदर कैसे आएगा, जो अगले से अगले खूबियां था उनमें अगले से अगले चले गए ना,
तो उनका यादगार, उनके यादगार अल्लाह ने दरगाह शरीफ रखा। वो सच बोल गए, सच काम कर गए, इंसान को सच्चा रास्ता दिखा गया और उस पर अमल करके भी दिखा गया। लेकिन हम लोग सुनते हैं अमल नहीं, सुनते हैं अमल नहीं, अनसुनी करते हैं। लेकिन नियत करो, बारी ताला परवरदिगार, हम नियत करते हैं तेरे इबादत के लिए और तेरे हुक्म मानने के लिए, और जो कुछ हमसे नाफरमानियाँ हुई, तेरे नबी के सुन्नत अमल नहीं किया, हमारा सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा और हमें हिदायत दे और एहदेना सिरातल मुस्तकीम पे चलने के तौफीक अता फरमा। और हजरत सैयद सूफी मोहम्मद हफीज गौसे औलाद सैयद आले रसूल सूफी हकीकी फ़कीर के सोहबत में बैठने के हम लोग तौफीक अता फरमा, और सुनकर अमल करने के लिए तू हमें हिदायत दे, और सूफी साहब को भी इलम में ज़ायफ़ा और इलम को बढ़ा दे ताकि यह मखलूक खल खिदमत बेलौस करे और कुरान हदीस के दर्स इंसान के सामने बयान करता रहे और इंसान के कानों में आवाज जाए और दिल में उतर जाए और अमल करने की तू हिदायत दे और तौफीक दे। तुझसे हम मदद चाहते हैं, तू गैबी मदद भेज, तू मुश्किल आसान फरमा, तमाम इंसान पे रहमत करम फजल फरमा, तमाम इंसान के मुश्किल आसान फरमा, कुल मोमिन वल मोमिनात वल मुस्लिमिन वल मुस्लिमात पे रहमत अता फरमा, तमाम कायनात पे रहमत अता फरमा, तमाम इंसान के वजूद पे रहमत अता फरमा, तमाम इंसान के सूरत पे रहमत अता फरमा, तमाम इंसान के रूहों पे रहमत की बारिश बरसा, आसमान जमीन की बलाओं से बचा, कहे साली बुरगति तंगदस्ती से बचा, जो बीमार है उसे शफा दे, जो बीमार उनको सेहत मंद कर दे, जो कर्जदार उनके रोज में बरकत दे, मौत से पहले कर्ज से बरी हो जाए, और जो बीमार है उनके सेहत कुल्लियत फरमा, और जो मर्ज में मुब्तला है उनको भी शफा बख्श दे काली कमली वाले के सदके में, जो भी औलाद है उनकी औलाद अता कर और नेक औलाद दे, जिनके आल औलदा शादिया भी असबाब लसबाब बना दे, उनके घर में खुशियां हो जाए, हमें पांच वक्त नमाज पढ़ने की कुरान पढ़ने तौफीक अता फरमा और दुनिया के फितनों से बचा, 72 फिरकों से हम लोग ईमान की बचा और 72 फिरकों से हम लोग को ईमान को तंदुरुस्ती दे, ईमान सलामती रख और ईमान के खैर बरकत ईमान की दौलत दे। और हजरत सैयद सूफी मस्त मोहम्मद हफीज आले रसूल सूफी हकीकी फकीर के सोहबत में बैठने तौफीक अता फरमा। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا تقبل على كل خير من المؤمنين والذين آمنوا ربي السبير العليم من المؤمنين والذين آمنوا ربي واتقوا الله والله الولي الغفور الرحيم آمنوا بالله ربنا تقبل إن كنتم من المؤمنين كل مؤمن والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين رب السمير العليم من المرسلين صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله من نور الله من نور الله صلى الله تعالى وسلم سلامتی خیر برکت رحمت کرم فرما رب العالمین تمام انسان پر آمین تمام انسان پر رحمت کی بارش برسا آمین اور تمام انسان کو مشکل کو آسان فرما آمین تمام انسان کو دل میں محبت عطا فرما آمین نفرت کو نکال دے آمین بغض کینہ کو نکال دے آمین انسانی محبت آمین اور تمام انسان سے محبت سے رہنے کا طریقہ ہمارے सीखने का हमें तौफीक दे और इंसान के साथ सही बर्ताव करने का हमें तौफीक दे, जो भी काम करे तेरी रजा के लिए तू राजी हो जाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बे रहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग पान खाओ, इसमें से ले लेकर नहीं पाऊंगा।